जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। मनुष्य केवल आज के दौर में सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बन गया है। उसने अपने आप को पैसे कमाने की मशीन मान करके वो काम कर रहा है। बहुत ही अनुभवी और रहस्यमय ज्ञान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत पेशेंस के साथ में, संयम के साथ में आपको सुनना होगा, शायद इससे कई घर और परिवार बर्बाद होने से बच सकते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसे व्यर्थ बर्बाद मत करो, क्योंकि ये ही एक ऐसा जीवन है मनुष्य, जिसमें व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे ईश्वर का नाम लेना है और मैं जहां से आया हूं वापिस मेरे को उसी में ही समाहित होना है, यानी परम मोक्ष की कामना या मोक्ष की कामना या पाप पुण्य, ये सब जो है केवल मनुष्य ही समझ सकता है, और जो पाप पुण्य किए हैं पहले उनका प्रायश्चित कर्म भी कर सकता है, परंतु और किसी भी योनि में यह नहीं कर सकता है। परंतु आज का स्त्री और पुरुष अपने विवाह बंधन में बंध जाते हैं और बच्चे पैदा करके उनका एक ही काम रहता है केवल कि बस परिवार को पालना, परिवार को देखना, परिवार के लिए मकान बनाना, परिवार को बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बस इसी को वो कर्म मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मनुष्य को अपने पिछले प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और अकर्मण्य कर्म, इन सब कर्मों का, पापों का विशेष तौर से इस मनुष्य योनि में ही भोग करके नाश कर देना चाहिए। तो पापों का नाश होने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और जब पुण्य की प्राप्ति होगी तो आप भगवान का नाम ले सकोगे। तो मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें आप ये सोच सकते हो कि मैं जो जीवन जी रहा हूं यह जीवन पिछले जन्म के पाप कर्मों का या पुण्य कर्मों का फल भोग रहा हूं, और उनको भोगते हुए मुझे अब अच्छा जीवन जीना है, परोपकार करते हुए जीना है, भगवान का नाम लेते हुए जीना। ठीक है, आपने विवाह कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, फिर भी ईश्वर का नाम तो ले सकते हो, परंतु आपके पास ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं है, क्योंकि आपको ट्रेन में जाना है, बस में चलना है, गाड़ी चलाना है, फिर वहां जाकर के काम भी करना है, दिन भर 8-10 घंटे काम करना, फिर ट्रेन में बैठ के घर पे आना, स्त्री के साथ सोना है, फिर बच्चों के साथ घूमने फिरने जाना है, तो कब भगवान का नाम कब लोगे? आपका जीवन एक रेत मुट्ठी भर, आपने जो रेत ले ली उसमें से धीरे धीरे रेत गिरती है, इस तरीके से आपका जीवन रोजाना कम होता जा रहा है, और आप पिछले जन्म के कर्म को भोग रहे हो केवल, अगला जन्म तो आप बना ही नहीं रहे हो। अगला जन्म पुण्य है या पाप है, या बना ही नहीं रहे हो, सिर्फ भोग रहे हो। तो यह मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। लोग आज भी मृत्यु के बाद की अप्राकृतिक रूप से रहस्यमय दुनिया की हैरत अंग्रेज बातों को जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और यदि आप भी जानना चाहते हो रहस्यमय दुनिया यानी प्रेतों की दुनिया, मरने के बाद में वो आत्मा कहां जाती, किस तरीके से रहती, उसके साथ क्या होता है, ये सब चीज आज हम खोलने जा रहे हैं। ऐसे तो
जो पराशक्तियां होती है, उन पराशक्तियों में तिराहे पर होती है, चौराहे पर होती है, पुलिया के नीचे होती है, एकांत स्थान में रहती है, अंधेरे मकान में रहती है, शमशान में रहती है, मरघट में रहती है, कब्रिस्तान में रहती है, और ऐसे बहुत सारे हमारे मकान हैं, किले हैं पुराने जमाने के, जहां पे बहुत सी स्त्रियों ने जौहर किया है, यानी आग में जल करके मर गई है। ऐसे बहुत से किले हैं जहां आज भी अदृश्य शक्तियों का वास है, और ऐसे बहुत सी जगह है जहां पर सैनिक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, और ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर बहुत से मनुष्य जो सोए तो उनको पर हथियारों से हमला करके रात को सोते सोते में ही उन्हें काट दिया गया। अब उनकी आत्मा आज भी एक साथ रहती है, इसलिए उन स्थानों को भूतिया स्थान कहा जाता है। तो ऐसी रहस्यमय शक्तियां को पहचानना, जिनकी अकाल मौत हुई हो, जिन्हें मरने के बाद में इंसान